वोट देने वाला आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि उसने किसको वोट दिया और क्या सामने आ रहा है, और तर्क के कसौटी से देखें तो सबकी बातों में वजन नजर आता है, लेकिन असल में क्या हुआ है इसी पे हम आज बातचीत करेंगे। और असल में जो कुछ हुआ है उसका उससे आगे क्या होगा, आगे कैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ होना है। 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और उसके बाद मोदी जी की अग्नि परीक्षा, असल परीक्षा यानी कि 2019 के आम चुनाव होने हैं। हमारे साथ आज इस पूरे मसले को समझने बूझने के लिए कुछ एक्सपर्ट इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। एके मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत तो आरोप प्रत्यारोप से ही कर लेते हैं। बड़ा दिलचस्प आरोप है, बड़ा दिलचस्प प्रत्यारोप है। एके मिश्रा जी, आपको कैसे संकेत दिख रहे हैं? नहीं देखिए, मासूम जी गोविंद ठाकुर साहब ने जो बोला वो ठीक है। मैं थोड़ा बीइंग ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट, मैं थोड़ा और स्ट्रेटजिक वे में जाता हूँ। जी हाँ। देखिए इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, इथिकल क्या है, सही क्या है, डेवलपमेंट कंट्री का, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन इलेक्शन के पहले जो 2-6 महीने का माहौल होता है, इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है और कैसे जीत होती है। देखिये अगर हम कर्नाटक का देखें और यहाँ तीनों पार्टियों का हम करें, तो डेफिनेटली कर्नाटक इलेक्शन में इलेक्शन मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट बीजेपी को हुआ है। 40 सीट से अगर ये 104 आ गए तो लगभग 230-250% की ग्रोथ लेना, ये बताता है कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजिक मशीनरी है किसी को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, वो कितना स्ट्रांग है। अब देखिए नेचुरल कैपेसिटी आप तीनों पार्टी की देखिए, जेडीएस में भी 2-3% वोटों की कमी हुई है, 2-3 सीट की कमी हुई है, और उसके साथ कांग्रेस तो आप ये देखिए लगभग 50% का लॉस हुआ है। तो अगर इलेक्शन लड़ने की क्षमता देखा जाए, यानी युद्ध कैसे लड़ा जाए, इलेक्शन लड़ने की कुशलता को और कौशलता को देखा जाए, तो उसमें अभी भी कहीं बीजेपी जो है दूसरों से बहुत आगे है। दूसरी चीज आपको बताऊं, कांग्रेस की स्ट्रेटजिक गलती यहां पे क्या हो रही है। कांग्रेस को ये डिसाइड करना है कि इलेक्शन लड़ करके उसको सत्ता पानी है, सरकार बनानी है, कि वो इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ रही है कि मेहनत वो करे और सारा का सारा मजा दूसरी पार्टियां लेके जाए, सरकार कोई और बनाए। अगर कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस की रॉन्ग पोजीशनिंग यहां पे भी कहां जा रही है, भाई मेहनत हम करेंगे लेकिन सरकार कोई और बनाए, मजे कोई और ले। अगर यही पॉलिसी और पोजीशनिंग, रॉन्ग पोजीशनिंग कांग्रेस की रही, तो कांग्रेस कभी भी लीडर बनकर के नहीं उभरेगी। अब देखिए दो चीजें मैं आपको बताऊं, आगे आने वाले जो इलेक्शंस है, चाहे वो दो लोगों के बीच में हो जैसे आपने एमपी वगैरह बोला, चाहे वो ट्रायंगुलर हो या मल्टीपोलर इलेक्शन फाइट हो जाए वहां पे। देखिए होता क्या है इलेक्शन में, जो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। देखिए भीड़ तंत्र है, जहां परसेप्शन चेंज होना शुरू होता है ना, वहां ये एक चिंगारी को पूरा आग या शोला बनने में देर नहीं लगती है। अब देखिए होगा क्या, एक इलेक्शन जो है इन्होंने गुजरात के टाइम पे, मैंने बोला था नो मोर क्लीन स्वीप, 3-4-5-6 सीट से ये मार्जिनल विक्ट्री, जहां पहले ये क्लीन स्वीप करते थे अब मार्जिनल विक्ट्री पे है, मार्जिनल से अब ये क्लियर कट मेजोरिटी भी बीजेपी नहीं ले पा रहे हैं। अब होगा क्या, जो बीजेपी के अंदर के जो इनके मतलब लीडर्स हैं, जो वर्कर हैं, सबसे पहले तो उनका मोरल डाउन होगा। आउटसाइड अगर जाइए पार्टी आप देखिए, तो अपोजिशन में जितने लोग हैं ना, उनको ये एक मास्टर बूस्टर मिल गया, उनका मोरल इतना हाई हो जाएगा। कैसे, वही तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, आप गुजरात में इतने सालों से सत्ता में रहने के बाद भी, घटती बढ़ती छोड़िए वो अलग बात है, आपने सरकार बना ली। यहाँ पे आपने खुद बताया कि यहाँ पे अगर चुनाव लड़ने के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुनाफा किसी को मिला नहीं। मासूम जी, तो मैं क्या आपको ये ऐसी स्थिति बन गई है कि पार्टी के अंदर ही जो असंतुष्ट लोग बैठे हैं आला कमान से, बीजेपी पार्टी के अंदर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ सर, बीजेपी के मसले पे कोई और नहीं बोलेगा, तमाम सारे लोग होंगे जो बैठे होंगे कि भाई मैं नाराज हूँ, हमारी पूछ नहीं हो रही है, तो क्या इतनी बढ़िया उनको जमीन मिल गई है कि वो बोल सके? नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में एक चीज, मैं बीइंग ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बोलता हूं, एग्जाम में अगर आपने 33% मिनिमम मार्क्स नहीं पाया 10वीं में, तो आप मतलब अगर 30 नंबर पाते हो, 32 पाते हो, 28 पाते हो, तो आप बैठोगे 9वीं में ही। ऐसे ही इलेक्शन होता है, एक वोट और एक सीट की बहुत बड़ी अहमियत होती है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी, और आज कर्नाटक इलेक्शन में देखिए बीजेपी 4-5 मतलब 7-8 सीटों से पीछे थी। ये बात बिल्कुल अलग अलग है सर, वो सदन के अंदर की बात हुई, वोट के ज्यादा कम होने से क्या हो सकता है सर, इसको पूरा समझना है। आप हमारे साथ बने हुए, बिना समझे हम कैसे निकलेंगे? नहीं बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आपसे समझेंगे, लेकिन सब सबकी टिप्पणी शामिल करते चलते हैं कि भाई देखिए मोराल क्या कैसे क्या है। हमारे है? साथ दो मेहमान और शामिल हुआ जी, बिल्कुल इस सवाल का जवाब आप ही समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। इससे बड़ी फरोख्त क्या हुआ, देखिए देश के सामने हुई
गोवा बिहार वगैरह में क्या हुआ सर? गोवा सर गोवा बिहार में चार सीट वाले को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मौका परस्ती को खरीद फरोख्त कह देना थोड़ा कड़ा शब्द हो जाए सर। ये मौका परस्ती नहीं है। राजनीति कह सकते क्या हमने गोवा में चार सीट वाले को मुख्यमंत्री बनवा दिया था? सर हम कहां कह रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट क्या हमने मणिपुर में दो सीट पाली वाली पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया? ये कर्नाटका के जनता के जनादेश का सरासर अपमान है और उसी अपमान को बचाने के लिए हमने समर्थन भी ले लिया और मुख्यमंत्री भी अपना बना लिया, तो आप उनसे बड़े मौका परस्त हैं। कहां पे सर? ये नहीं, अगर इस पॉइंट से आप देखेंगे तो इसमें तो ये मानना चाहिए कि भाई कांग्रेस आपसे ज्यादा उदार रही है कि उन्होंने अपने से छोटे पार्टी को सीएम दिया। आप तो यहाँ पे एकदम घाघ हो गए, समर्थन भी ले लिया और मुख्यमंत्री भी अपना बना दिया, उनको कुछ दिया ही नहीं जिन्होंने समर्थन लिया। ये तो कांग्रेस के लिए ऐसा ही जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब वो सब कांग्रेस की बात हो रही है, मुझे समझ में नहीं आया। पॉलिटिक्स में तो ये होता है कोई भी शादी हो जी बस बैंड बचे, नेता लोग नाचना शुरू कर देते। मिश्रा जी इन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा कि कांग्रेस अब समझ चुकी है कि हमें जब तक नहीं पार्टियों के साथ यही लोकसभा में भी अप्लाई होता है हाँ। तो फिर कमी बेसी कहां ये संकेत वही है। अगर गुलाम नबी आजाद ने लोकसभा लिए तो वही ये फॉर्मूला वही थे। ठाकुर साहब अभी देखिए राहुल गांधी जी ने अभी ये बोला है कि भाई राज्य में जो सरकारें हैं हम उनको सपोर्ट देंगे जो लोकल छत्रप है, लेकिन सेंटर में आप हमें सपोर्ट दीजिए। कहने का मतलब है सेंटर में हम आगे रहेंगे और स्टेट में हम आपको सपोर्ट देंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज बड़ी देखने वाली बात है जो मैं बोल रहा था, हमारी चर्चा अधूरी रह गई थी कि कैसे जो है ये चीजें आगे आने वाले रिजल्ट्स को इम्पैक्ट डालेंगी। एक सीट और एक वोट का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सारी राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं को मैं बोलना चाहूंगा, आप इलेक्शंस को बहुत गंभीरता से लिया करें। दो चार सीट के हेर फेर से सारा रिजल्ट बदल गया, आपकी सारी मेहनत सारा पैसा साल भर का एकदम वेस्ट चला गया। सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, तो दो चार सीट एक सीट भी बहुत मायने रखती है और इलेक्शंस को ऐसे कैजुअल नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज है देखिए इसके दो तीन डायमेंशंस अगर देखा जाए, सबसे पहले बीजेपी जो एक निर्बाध तरीके से बढ़ती जा रही थी कहीं ना कहीं एक तरीका विपक्ष को मिल गया है कि इनको रोकने का, वो एक मैजिकल तरीका जिसको ये ढूंढ नहीं पा रहे थे वो उनको मिल गया बहुत है। बहुत मैजिकल है हाँ, ये बहुत ठीक है। अभी देखिए नहीं ये है क्या पहले पोल ऐसा कुछ काम हो नहीं नहीं बिल्कुल देखिए होगा क्या, ये एक जबरदस्त जो है इनके अंदर पॉलिटिकल क्यूज और ट्रिगर पैदा करेगा सारे विपक्ष के अंदर। पहले ये एक मत नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये हो सकता है ये एक ऐसा फर्क देखिए। मायावती जी का भी स्टेटमेंट आया, अब कर्नाटक इलेक्शन में मायावती जी को स्टेटमेंट देने की ठीक है लड़े थे, क्या जरूरत है? ये संकेत है कि अब धीरे धीरे करके सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो सारी विपक्षी पार्टियां इकट्ठी नहीं हो रही थी हो सकता है उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि लोग अपने गले सिकवे सब जो है बुला करके एक ऐसा कॉमन फार्मूला निकाल लें और सारे लोग एक हो जाए। और अगर ये चीज हो गया तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। दूसरी चीज हार और जीत दो चीजों पर निर्भर करती है, एक होता है इंटरनल फैक्टर यानी विद इन पार्टी क्या चीजें हैं क्या नहीं है। बीजेपी अभी तक जीत रही थी तो विद इन पार्टी उनका सिस्टम बहुत अच्छा था, एक थे स्ट्रांग थे मैकेनिज्म था सारे डिवीजन ऑफ लेबर हुए थे बड़ा प्रोफेशनल अप्रोच था। दूसरी चीज बाहर की चीजें होती है जिसमें डिफरेंट जो है माइक्रो डायनामिक्स एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं, वोटर इधर से उधर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे होगा क्या देखिए ढाई तीन साल के बाद एक नेचुरल वियर एंड टीयर होता है। अब देखिए विकास का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, हो सकता है तीन साल में उस मुद्दे की तरफ जो है लोगों का लगाव अब अट्रैक्शन खत्म होता जा रहा है। नेचुरल वे में कोई भी मुद्दा एक टाइम के बाद अपना अट्रैक्शन खत्म कर मतलब छोड़ता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है। जितने मुद्दे थे बीजेपी ने सारे मुद्दे उठा लिए हैं, वो मुद्दे चार साल में उतने रिजल्ट आए नहीं है, तो अब लोगों का अट्रैक्शन खत्म हो रहा है। तो बीजेपी का जो एक बॉन्डिंग इन्होंने डेवलप किया था वो कमजोर होता जा रहा है और इसी कारण ये पूर्ण बहुमत नहीं ले आ पाए। जब तक बॉन्डिंग पॉलिटिकल पार्टी लीडर और वोटर्स के बीच में बहुत स्ट्रांग रहती है तब तक आप क्लीन स्वीप या क्लियर कट मेजोरिटी ले आ सकते हो। हो सकता है ये बॉन्डिंग बीजेपी का वोटरों के साथ डाइल्यूट होगा और जब डाइल्यूट होगा तो कुछ वोटर दूसरों की तरफ शिफ्ट होंगे, तो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी, वो हार सकते हैं या क्लियर कट मेजोरिटी नहीं ला सकते हैं। कोशिश सिर्फ देखना यह है कि पूरा विपक्ष कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, कितनी तेजी से करता है। विपक्ष तो एक्सेप्ट करने लगा है लेकिन सवाल नहीं, नहीं अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज कर पाता है पूरा विपक्ष मिलके और कितनी स्ट्रेटजिक एक्यूरेसी के साथ। नसीम खान जी हाँ आप ही की तरफ आ रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ये
हवाला दे रहे हैं उस दौर का कि क्या उनके गठबंधन नहीं थे, क्या उनके गठबंधन नहीं थे। अरे भाई उनके गठबंधन थे, बहुत लंबे समय से थे, वो चुनाव में गए तो ऑब्वियस बात है कि वो बीजेपी के नेता को अपना नेता मानेंगे। लेकिन अब जिन हालातों में ये गठबंधन कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से गठबंधन हो रहा है, तो वो मोल भाव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो नैसर्गिक गठबंधन तो है नहीं मिश्रा जी। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सवाल समझ गए होंगे तो उसका जवाब बता रहा हूँ। आप लोगों का जो गठबंधन है, मैं आपको बताऊं, जितनी भी विपक्ष है किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उनका जो है, हो सकता है भाई मन में चाहत है लेकिन अभी मन और दिल मिल नहीं पाए हैं। आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो आप लोगों के अंदर एक बहुत अंतर कला है, बहुत ज्यादा आप लोगों के अंदर डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये है, मैं आपको क्लियर कट बोलना चाहूंगा कि भाई शरद पवार जी महाराष्ट्र में बैठे हैं, वो बोलेंगे मैं सबसे सीनियर एक्सपीरियंस्ड हूं, भाई मुझे पीएम बनना चाहिए। ममता बनर्जी अलग से बोल रही है, अखिलेश यादव ने भी साल भर पहले बोल दिया कि अगर हमें पीएम बनाया गया। मायावती जी अलग से एक बोलेंगे कि आज तक दलित कोई पीएम नहीं बना तो हमें पीएम बनाइए। ये चैलेंजेस है देखिए। और भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं आपको बात करूं, जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बहुत चेंज की है। देखिए ये बड़ी समझने वाली बात है, इनके जो गठबंधन, इनके जो अलायंसेस हैं शिवसेना इन सब के लिए, पहले एक दूसरे का सम्मान होता था अटल जी के टाइम में। अब इनकी स्ट्रेटजी ये चेंज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के खिलाफ तो खुल्लम खुल्ला काम करती है, लेकिन अपने गठबंधन को भी वो लगातार कमजोर करना चाहती है, करती जाती है, क्योंकि वो चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम किसी भी बैसाखी के सहारे क्यों रहें, हमें क्यों। ये इनका देखिए आइडियोलॉजिकल इन्होंने चेंज किया है, स्ट्रेटेजिक चेंज किया है कि अब हमें इलेक्शन लड़ना है तो पहली कोशिश ये हो कि पूरे देश में हम अकेले सरकार बनाए, हमें किसी बैसाखी की जरूरत ना हो। यही रीजन है पंजाब इलेक्शन के, अगर कैंपेनिंग को आप ध्यान से देखें, देखते वक्त मुझे ये लगा था कि जैसे बीजेपी और पीएम मोदी उतने मन से वहां पे कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां अगर वो जीतते तो अकाली दल की सरकार बनती, मुख्यमंत्री बनती। कहीं ना कहीं जानबूझ के एक कमी डाली गई है और ये बड़ा नैसर्गिक सा है। देखिए लेटेंट वे में इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है कि हमें किसी बाहरी पार्टी का भी सपोर्ट ना लेना पड़े, हमें अपने अलायंसेस, पुराने अलायंसेस का भी ना लेना पड़े, और मैक्सिमम हम अपने दम पे ही 100% मेजोरिटी ले आए ताकि हम किसी के भरोसे ना रहे, उसमें लेग पुलिंग ना हो। ये स्ट्रेटजी विपक्ष को और इनके अलायंसेस को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के ये सक्सेस हो पाएंगे। वो सारी बातों बात करके ये मेन मुद्दे से डाइवर्ट करते हैं ना जी। हम भी मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। नसीम जी एक चीज ये बताइए, कांग्रेस क्यों इतना एक्सपेक्ट करती है, या विरोधी पार्टियां पॉलिटिक्स में क्यों आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो कि जी सामने वाला हमारे ऊपर राम खाएगा, और यही कारण है कि सारी विरोधी पार्टियां बीजेपी से पस्त होती चली जा रही है। अरे देखिए मैं आपको बोलता हूं, आप लोग क्यों नहीं चैलेंजेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे बीजेपी बोलती है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री नेहरू जी गलत हैं या सही हैं, कुछ आरोप लगाया, उन्होंने बोला नहीं सरदार पटेल बड़े अच्छे हैं, तो अरे आप लोग बोलो ना कि आप सिलेक्टिव क्यों हो, नेहरू जी आपके हो गए, सरदार पटेल कांग्रेसी नहीं थे क्या। कहने का मतलब है आपकी जो कमजोरी है, आप इमीडिएट जवाब क्यों नहीं देते हो, रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हो, आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। जवाब ले लेते हैं भाई, देखिए मनीष जी ऐसा है, जब कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि आप संक्षेप में जब कांग्रेसी ये कहते हैं कि आप हमारे अच्छे कामों की सराहना नहीं करते, हम करते हैं ना। 1885 से कांग्रेस के स्थापना से और 1971 तक के कामों के हम सराहना करते हैं। केवल जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो कालखंड उनका 17 साल उन्होंने जो राज किया, जिसमें हमने एक्साइज चीन को दे दिया, कश्मीर समस्या के जनक हम थे, वो रावत जी उनको हमने दिया। अपनी बात चाहे।